हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्चन द क्रिप्टो एम्प्रायर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पर बीटीसी मैना इथेरियम डॉट मेटिक कॉइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो भी डाउट है अभी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो अगर आपको प्रीमियम चैनल की तरह सिग्नल चाहिए। तो दोस्तों सोचे समझे बिना चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल की डेट में हमने अपने सब्सक्राइबर्स को मैना में सेंड में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करवाया है। मैं अभी आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में देखिए, हमने एग्जैक्टली सेंड में 243% का प्रॉफिट अर्न करवाया 10x के साथ में विद इन 1.5 डे में। गाइज आपको यहाँ पर मार्केट काफ़ी डाउन देखने को मिलता था, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ने सेंड में 243% का प्रॉफिट अर्न किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, एग्जैक्टली मना के अंदर हमने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला था कि आपको यहाँ पर फ्लैग पैटर्न के लोअर ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंट्री बना के रखना है। तो इस तरह से इसके अंदर भी हमारे सब्सक्राइबर ने 166% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से प्रॉफिट अर्न करना, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर मॉर्निंग में 7 AM को वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो गाइज अगर आपको हमारा यहाँ पर यह हार्ड वर्क अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर BTC मैना इथेरियम डॉट मेटिक कॉइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले BTC के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर BTC के फोर के चार्ट को देखिए गाइज, आपको हमारे यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा था 59,000 समथिंग पे। एग्जैक्टली आपको हमारे यहाँ पर वाइट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी हमारी कैंडल किसी सपोर्ट लाइन को, किसी रेजिस्टेंस लाइन को बार बार में हिट करती है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो इसको ब्रेक ही कर देती है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको करंट में जो हमारा प्राइस है, यहाँ पर कैंडल बार बार में इसको हिट करती हुई दिखाई दे रही है, तो चांस है कि इसको ब्रेक भी कर दे। जब भी हमारी कैंडल किसी सपोर्ट लाइन को या भी किसी रेजिस्टेंस लाइन को बार बार में हिट करती है, तो हाई चांस होता है कि उसको ब्रेक कर दे। तो अभी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, आपको हमारे यहाँ पर 4 आवर की कैंडल बार बार में इसको हिट करती हुई दिखाई दे रही है, तो हाई चांस है कि इसको ब्रेक कर सकती है। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो गज आपको हमारे यहाँ पर लोअर ट्रेंड दिखाई दे रही है अराउंड 57,000 के लगभग। गज मोस्टली आपको 57,000 के लगभग देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है तो गज आपको हमारे यहाँ पर लोअर ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्राइस देखने को मिल सकता है। अभी आप में से मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है कि हमने यहाँ पर ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ की है, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर वनडे के चार्ट में देखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर 59,000 समथिंग पर यह मेजर सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था। अभी आप यहाँ पर देखिए गज, एग्जैक्टली आपको हमारे यहाँ पर ट्रेंड के लिए एक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, थर्ड पॉइंट यहाँ पर। आप एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो गज, जो हमारा प्राइस पैटर्न है, यहाँ से इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलता है। अगेन गाइज आप यहाँ पर देखिए, हमारा प्राइस पैटर्न यहाँ से रिटेस्ट लेता है, रिटेस्ट के बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी बाउंस बैक देखने को मिलता है, अगेन आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से सपोर्ट लेता है। तो गाइज इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट मिल चुके हैं, एंड आपको यहाँ पर 5th पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राइस पैटर्न यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो गाइज इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट मिल चुके हैं, 5 पॉइंट से होते हुए हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो गाइज जितने भी हमारे यहाँ पर पॉइंट होते हैं, अगर जितने ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो वो हमारे ट्रेंड लाइन जो हमारे सपोर्ट लाइन है उतने ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको हमारे यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे यहाँ पर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता हुआ देखने को मिलता है, तो आपको मोस्टली इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अल्टकॉइन में एंट्री लेना है तो गाइज आपको ये एरिया फॉलो करना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज इस तरह से जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, तो आपको हमारे इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अल्टकॉइन पार्ट में एंट्री लगा के रखना है। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में लॉन्ग करते हो तो आपको स्टार्टिंग में लो लिवरेज रखना है। आप में से काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली 10x लगा के रख देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3x 4x ही रखना है स्टार्टिंग में, उसके बाद में आप यहाँ पर इंक्रीज़ करके रख सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके बाद में आप यहाँ पर इंक्रीज़ कीजिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट को, मना के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर मना का लाइव चार्ट ओपन करके रखा 4 आवर चार्ट पे। कल की डेट में ही हमने आपको बोला था कि आपको यहाँ पर फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो फ्लैग पैटर्न के लोअर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंट्री बना के रखना है। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आपने यहाँ पर मना में ऑलरेडी एंट्री बना के रख लिया होगा 2.89 के लगभग। तो अभी आप यहाँ पर 166% प्रॉफिट में 10x के साथ में। अगर आपने यहाँ पर स्पॉट में एंट्री लिया तो भी दोस्तों आप यहाँ पर मोर देन 16% प्रॉफिट में। तो अभी तक अगर आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा है तो दोस्तों आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फ्लैग पैटर्न ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अभी आपको यहाँ पर रिटेस्ट देखने को मिलता है। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी हमारा BTC काफ़ी डाउन जा रहा है। लेकिन गाइज अगर हमारा BTC यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करता है अगर इस जोन के अंदर, तो आपको यहाँ पर मना में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री लेके रखी है तो आप यहाँ पर होल्ड करके रखिए,
एंड अभी करंट प्राइसिंग में आपको यहाँ पर एंट्री के लिए सजेस्ट नहीं कर सकता। गाइज अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्पॉट में ही एंट्री लीजिए। अगर आपको यहाँ पर न्यू एंट्री लेना है तो आप यहाँ पर स्पॉट में ही एंट्री लीजिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर इथेरियम का लाइव चार्ट ओपन करके रखा फॉरवर्ड चार्ट पे। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली फॉरवर्ड चार्ट पे अभी हमने यहाँ पर इथेरियम का लाइव चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर 0.382 फ्यूचर लेवल दिखाई दे रहा है 4000 समथिंग पर। एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो 4074 पर हमारा यहाँ पर 0.382 फ्यूचर लेवल है। उसके बाद में आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन भी दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इथेरियम में एंट्री लेना है तो आप यहाँ पर इस 0.382 फ्यूचर लेवल से जस्ट अबव एंट्री लगा के रखिए। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर 4074 पर लगा देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पार्ट में एंट्री लेना है। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर लगा के रख सकते हो 4090 के लगभग, उसके बाद में 3800 के लगभग। गाइज आपको हमारे यहाँ पर 3800 पर 0.5 वाला फ्यूचर लेवल दिखाई दे रहा है। तो आपको इन दोनों लेवल के अकॉर्डिंग पार्ट में एंट्री लगा के रखना। जैसे आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जैसे आपको यहाँ पर BTC के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इथेरियम का यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर सेल टारगेट लगा के रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लगा के रखना है तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर 4100 के लगभग लगा के रख सकते हो एग्जैक्टली इस जोन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको 3800 के लगभग लगा के रखना है। जहाँ तक मेरा आइडिया, हमारा प्राइस 3800 तक नहीं आने वाला, तो आप यहाँ पर करंट प्राइस में थोड़ा एंट्री लगा के रख सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डॉटकॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर डॉटकॉन का लेफ्ट चार्ट ओपन करके रखा फॉरवर्ड चार्ट पे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कल की डेट में आपको यहाँ पर 40 समथिंग पर फर्स्ट एंट्री के लिए बोला था, लेकिन गाइज अभी आप यहाँ पर देखिए अभी हमारा यहाँ पर BTC अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर डॉटकॉन के अंदर भी काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर 40.13 पर यहाँ पर एंट्री लगा के रखते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट लगा के रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 37.3 पर आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई देगा। गाइज अगर आप यहाँ पर 40.13 पर एंट्री लगा के रखते हो तो आपको यहाँ पर स्पॉट में एंट्री लेना है वेरी स्मॉल अमाउंट के साथ में। उसके बाद में आप यहाँ पर 37.34 पर मेजर अमाउंट में लेके रख सकते हो। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर जोन की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 37.34 से लेके 40 के बीच में एग्जैक्टली आपको यहाँ पर पार्ट में एंट्री लगा के रखना चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पर मैटिक कॉइन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर मैटिक कॉइन का लाइव चार्ट ओपन किया हुआ है फॉरवर्ड चार्ट पर। कल की डेट में हमने आपके साथ में सेम चार्ट डिस्कस किया था। हमने आपको बोला था कि 1.53 पर आपको यहाँ पर 0.618 फ्यूचर लेवल दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हमारे यहाँ पर करंट प्राइस 1.55 चल रहा है। तो आपको हालांकि हमारी कैंडल एक वीक जरूर थोड़ा डाउन देखने को मिली थी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो बार बार में हमारी कैंडल को यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फ्यूचर लेवल है 0.618 फ्यूचर लेवल, इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट देने का ट्राई कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपको हमारी कैंडल बार बार में इसको हिट करती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी हमारी कैंडल किसी सपोर्ट लाइन को, किसी ट्रेंड लाइन को, किसी गोल्डन लाइन को जब भी बार बार में हिट करती है तो हाई चांस होता है कि उसको ब्रेक कर दे। तो गाइस हमारी कैंडल बार बार में इसको हिट कर रही है। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पर वेरी स्मॉल अमाउंट में ही एंट्री लीजिए। उसके बाद में 1.45 पर आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई देगा। दोस्तों 1.45 पर आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई देगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर थोड़ा एंट्री और लगा के रख सकते हो। आपको यहाँ पर 1.53 के लगभग वेरी स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेना है। दोस्तों आप इसके नीचे ही आप यहाँ पर एंट्री लगा के रखिए पार्ट में 1.45 से लेके 1.53। अगर हमारा प्राइस डाउन आता है, अगर हमारा BTC इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, तो गज आपको हमारे यहाँ पर मैटिक कॉइन के अंदर भी काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर 1.45 से लेके 1.53 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्ट में एंट्री लगा के रखिए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जैसे आपको यहाँ से सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका सेल टारगेट अपडेट देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर BTC के अकॉर्डिंग मैटिक कॉइन में सेल टारगेट लगा के रखना है। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो हमारा इतना था। अगर रियल में अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर रियल में अगर आपको हमारा मन्ना का सेंड का प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।